वेलकम टू अमृता रेसिपीज जंक्शन। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, ये मेरे किचन की एक क्रिएटिविटी है जो कि मैं इसे अपने लिए बनाई हूँ। देखिए, मॉम्स कैफे सर्विंग लव लव लाइफ। तो मैंने यहाँ पे LED लाइट्स भी लगाए हुए हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एक किचन डेकोर के लिए। चलिए, तो आज मैं इसी के साथ आपको ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे बैगन भरता। बहुत ही ईजी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने बैगन को रोस्ट करने रखा है, जिसे एग प्लांट भी बोला जाता है इंग्लिश में। और उसके बाद हमें क्या तैयारी रखनी है, जब तक ये पकता है हमें यहाँ पे चॉप करके अनियंस को रखना है। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को कट करके रखा हुआ है, और 2 मीडियम साइज़ टमाटर भी कट करके रखे हैं, और 2-4 ग्रीन चिलीज़। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप वो स्किप कर सकते हैं। फिर आप ड्राई मसालों में रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ड्राई मसालों में यहाँ पे मैं नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, हींग, जीरा होगा तड़के के लिए। तो चलिए देखते हम इसे हो क्या है कि नहीं, ये चेक करते हैं। कुछ तामझाम मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ आज। बहुत ही सिंपल इजी वे, जिस तरह से हम घर पे हमारे बनाते हैं उसी तरह मैं यहाँ बना रही हूँ। देखिए, ये पक चुका है ऑलमोस्ट, आपको पता चल गया होगा। देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। पानी के जो बबल्स दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब यही है कि अच्छे से वो अंदर पक चुका है। तो चलिए, हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, और उसके बाद इसका जो स्किन है ब्लैक कलर वाला, ये हम इसे हटा देंगे। यहाँ पे बैगन जो है वो अच्छे से पक चुका है, और ये जो अगर पाव भाजी स्मैशर है तो उससे आप स्मैश कर सकते हैं, ताकि जो भी मतलब सॉफ्टनेस एक तरीके का आ जाता है। तो मैं इसे अच्छे से स्मैश करूँगी। तो हम स्मैश कर लेंगे पहले। तो देखिए, इस तरह से मैंने स्मैश करके रख दिया है। तो अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं, कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तेल गरम करने रख लिया है। मैंने 2-4 चम्मच तेल ले ली हूँ। जिस तरह से आपकी क्वांटिटी होगी उस तरह से आप तेल यूज़ कीजिए। तो ये बैगन का भरता जो है मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, और जो ये जिस कढ़ाई में मैं बना रही हूँ ये मेरी बहुत ही फेवरेट कढ़ाई है। तो इसमें अच्छा सा अच्छे से बनता है, कोई भी जो डिश है बहुत अच्छी बनती है। तो तेल गर्म हो चुका है, आगे के हम इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे इसमें। सबसे पहले जाएगा ये जीरा, उसके बाद जाएगा ये हींग, के बाद हम आगे की जो प्रोसेस है जैसे ओनियंस, ग्रीन चिलीज, टमाटर हम एक साथ डालेंगे। तो ये रहा, इसमें हमें अच्छे से सॉटे करना है और इसे मॉइस्ट होने तक पकाना है। हम चाहे तो इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे ताकि ये जल्दी जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। चलाएंगे। आप इस बैगन के भरते को किसी के साथ भी खा सकते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे रोटी के साथ खा सकते हैं जो रोटी पसंद करते हैं, या अगर आप राइस ईटर है, दाल चावल अच्छा लगता है तो आप उसके साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये रेसिपी। मैंने इसके पहले भी एक बैगन भरते की रेसिपी मैंने अपने चैनल में अपलोड की थी, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें मैंने ग्राउंड नट्स ऐड किए थे। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो आप दोनों में से कोई एक भी बना सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि आपको ज़रूर मेरी ये जो मेरा जो ये तरीका है बैगन भरता बनाने का, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए, आगे के जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा ये हल्दी, उसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पे जो रेड मसाला है, रेड चिली पाउडर, वो ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ धनिया पाउडर है, ये मेरा मैजिक मसाला है जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, जिसमें धनिया, जीरा और गरम मसाला ऑलमोस्ट रहता है उसमें। तो हम इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और मैं तभी बताना भूल गई थी कि हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी लगेगी थोड़ी सी फ्लेवर के लिए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये भी हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब थोड़ा मॉइस्ट होने तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा गरम मसाला भी ऐड करते हैं, क्या कहते हैं? तो ये गया गरम मसाला हल्का फ्लेवर के लिए। वाओ, आप इसे ज़रूर बनाइए अपने घरों में, और मुझे ज़रूर मेरे चैनल पर कमेंट करके बताइए कि कैसे बना है ये आपका बैगन का भरता जो मेरे स्टाइल से आप बनाएंगे।
तो देखिए ये जो तेल है वो छोड़ रहा है, साइड से छूट रहा है। और ये जो डिवाया है मैंने जो बनाया है मेरे किचन के लिए, एक ब्यूटीफुल सा कुछ डेकोर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके लिए भी आप प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको ज़रूर इसे कैसे बनाना है ये भी मैं आपको सिखा दूँगी। तो अभी हमें बैगन जो हमने स्टफ करके रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए मैंने इसे ऐड कर लिया है। अब अच्छे से इसे पूरे मसालों के साथ हम इसे मिलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से लाजवाब दिख रही है ये जो रेसिपी है बैगन भरता। अब मैं थोड़ा सा धनिया काट लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ, फिर इसमें हम गार्निश करेंगे। तो धनिया जो है मैंने चॉप कर लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये धनिया फ्रेश चॉप, और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे रोटी के साथ। तो देखिए ओह माय गॉड बहुत ही यमी लग रही है मुझे देखकर, और खुशबू जो आ रही है ना मैं आपको वीडियो में नहीं बता सक रही हूँ। तो देखिए किस तरह से लग रहा है ये जो बैगन का भरता है। चलिए इसे फटाफट हम डिश में डाल देंगे सर्विंग प्लेट में। फ्रेंड्स ये रहा मेरा बैगन का भरता, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने यहाँ पे लेमन का जो स्लाइस है इसलिए रखा क्योंकि मैं यहाँ लेमन स्क्वीज करके खाने वाली हूँ, तो आप जिस तरह से पसंद करते हैं आप उस तरह से खा सकते हो। बहुत ही यमी लग रहा है, देखिए मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, बहुत ही अच्छी लग रही है ये रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर घर पर बनाइए और फटाफट से मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।